नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वशक किचन में। आज हम बनाएंगे काजू की मठरी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 200 ग्राम मैदा ली है, अच्छी तरह से हमने ये पहले ही छान ली। और ये हमने 100 ग्राम के लगभग तेल लिया है। स्वाद अनुसार नमक, ये हमने थोड़ा सा सोडा लिया है, मीठा सोडा। ये हमने अजवाइन ली है, एक छोटी चम्मच अजवाइन है। इसको हाथ पे रख के थोड़ा सा घिस के इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारी मैदा और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। मैदा में मोमन अच्छा होना चाहिए जब ये मठरी अच्छी बनती है। कितना मोमन तो होना चाहिए। हमने गरम पानी कर लिया था, थोड़ा ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का ही गरम है। गरम पानी से आटा लगाएं, धीरे धीरे करके नहीं है इसमें पानी डालें, एक साथ ना डालें, आटा गीला हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से लगा लेते हैं। 10 मिनट के लिए आटे को ढककर रख देते हैं। हमारे आटे को ढके 10 मिनट हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से, एक बार और घुमट लेते हैं। इसको अच्छी तरह से घुमट गया है, इसके अब हम 4 पीस कर लेते हैं। इसकी गोल गोल लोई बना लेते हैं। ऐसी लोई बना लेते हैं। चकले पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, बेलन पे भी लगा लेते हैं। जो हमने लोई बनाई थी उसको बेल लेते हैं। थोड़ी मोटी बेल है। रोटी हमारी बिल गई है। अब हमने लिया है ये ढक्कन, आप कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। इसे काटने के लिए अगर आपके पास कटर हो तो कटर से भी काट सकते हैं। हम काजू के हिसाब की मठरी बना रहे हैं। ऐसे काटें, ऐसे काट देते हैं सबको, दबा दबा के नहीं है, बिल्कुल काजू के जैसी लगेंगे। सारी काजू वाली मठरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इनको तेल में फ्राई करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम तेल डालते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है, देखते तेल हमारा गरम हो गया, चेक करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम सारे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे सारे को, एक एक नहीं डालनी पड़ेगी सारी मटेरियल को। एक एक डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पूरा होने तक सेके इन्हें और चलाते रहें, कलर बिल्कुल अच्छा आ जाएगा जब सिक जाएंगे, जब बिल्कुल भूरी हो जाएंगी। कितना बढ़िया कलर आया है। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से बिल्कुल सिक गई है, बिल्कुल भूरा कलर आ गया है।
इसको निकाल लेते हैं ऐसे। अब मटरी में स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मसाला और हम ऐड कर देते हैं इसमें। ये थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है, इनको डाल देते हैं और गरम में ही डालने हैं। ये थोड़ा सा हमने हरा पुदीना सुखाया था उसको बारीक करके हम इसमें ही डाल देते हैं। थोड़ा सा अमचूर मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक टिश्यू पेपर इसे बाहर निकाल लेते हैं, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मटरी हमारी मिक्स हो गई है, इतनी अच्छी मुलायम बनी है, इन्हें बड़े बूढ़े भी खूब आसानी से खा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमारे YouTube चैनल ऊषा किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।